पर संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हुसैनपुर पुख्ता से तालाब में नहाने गई तीन किशोरी की तालाब में गहरे गड्ढे में चले जाने से डूबकर मौत हो गई। उनके साथ नहाने गए दूसरे बच्चों के बताने पर ग्रामीणों ने तालाब पर पहुंच तीनों के शव बाहर निकाले और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तहसीलदार गुन्नौर और कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कोतवाली पुलिस ने तीनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। तहसीलदार गुन्नौर का कहना है कि कुछ बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे, लेकिन उसमें से कुछ बच्चों की डूबने से मौत हो गई। नहाने के लिए आए थे और तीन बच्चे आकस्मिक तौर से नहाते हुए डूब गए जी। फिर इस बच्चे अपने गांव में जाकर उन्होंने बताया, तीन बच्चों को निकाला गया। हम और कोतवाल साहब पहुँचे यहाँ पे, तो फिलहाल बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और ये बहुत ही दुखद घटना है। परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं सबके साथ में। जो जांच, ये जांच का विषय अभी कानून साहब और हमारी टीम जांच करेगी, रिपोर्ट बना के अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित करेंगे और जो भी होगा उसके हिसाब से, अगर सहायता के का प्रकरण बैठता तो जरूर सहायता दी जाएगी। और बाकी हमारे सबसे और भी जो विशेष योजनाएँ चलती हैं कल्याणकारी, उन उसके तहत भी सहायता देने का प्रयास करेंगे। इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम प्रसार है। तहसीलदार ने जांच के बाद परिजनों को आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है। तेज निगाही के लिए जनपद संभल से गजराम सिंह यादव की रिपोर्ट।